वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे होली के लिए कुछ पकवान, मतलब होली की स्पेशल गुजिया और भी बहुत सारी चीजें। तो आज का ब्लॉग होने वाला है फुल डे का कुकिंग ब्लॉग, तो ब्लॉग में बने रहिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और छोटे छोटे सिंपल टिप एंड ट्रिक्स के साथ मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं गुजिया। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम खोए को भून लेंगे, चाहे आप घर पे बनाए हों या बाहर से। मावे को अच्छी तरीके से फिर से भून लीजिए। फिर देसी घी में हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे, जिससे क्या होता है कि हमारी गुजिया लंबे समय तक चलती है, ख़राब नहीं होती है। खोया ठंडा हो गया, इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे और जो ड्राई फ्रूट्स हमने भुने थे उनको हल्का सा हमें क्रश कर लेना है। इस तरीके से कूट लिया है हमने, इनको ऐड कर देंगे। साथ ही डाला है मैंने एक नारियल का बुरादा जिसको मैंने भुना था। उसके बाद इलायची पाउडर डालेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डालिए। ये इसको भूनने के बाद सब कुछ हमने मिला दिया है। इसमें डाला है मैंने बेसन भुना हुआ, बेसन को ड्राई रोस्ट कर लिया है और उसको हम ऐड करेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच, जिससे क्या होता है कि टेस्ट भी अच्छा आता है। पता नहीं चलता है बेसन पड़ा हुआ, लेकिन गुजिया आपकी फटेगी नहीं, बहुत ही अच्छी गुजिया बनती है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैदे में हमने देसी घी का मोयन डाला और मोयन अच्छी तरीके से चेक करने के बाद हम आटे को दूध से गूंथेंगे। इससे गुजिया बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा। हमेशा हमारे घर पे दूध में ही आटे को गूंथ के गुजिया बनाई जाती है। तो यहाँ पे फटाफट से हम गुजिया बनाएंगे। पूजा यहाँ पे ये रोटियाँ बेलती जा रही हैं, पूड़ी पर रोटी जो भी बोलिए, और इसको मैं सांचे में रख रख के फटाफट से ही गुजिया बनाऊंगी। और खोए की गुजिया अक्सर आप बनाइए तो फट जाती है, कभी कभी खुल जाती है साइड से, लेकिन बेसन डालने से बिल्कुल फटती नहीं है और एकदम ईजी वे में आप गुजिया बना सकते हैं। तो यहाँ बन रही है गुजिया। पूरे साल में सबसे कठिन काम यही होता है गुजिया बनाना। किसको किसको लगता है, मुझे तो बहुत लगता है। खाने में अच्छा लगता है लेकिन बनाने में बोरिंग है, मेहनत लगती है ज़्यादा। थोड़ी सी बनानी हो तो नहीं, यहाँ ज़्यादा बनानी होती है ना। लेकिन मुझे घर की गुजिया ही टेस्टी लगती है, मार्केट वाली नहीं। कितनी भी टेस्टी गुजिया बाहर की हो मुझे नहीं पसंद आती है, अपने घर की अच्छी लगती है, अपने फ्लेवर डाल के अपने हिसाब से। अब बहुत सारी गुजिया हमारी हो गई है, अब हम चलेंगे इनको फ्राई करने के लिए। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी और चीनी, जो इतना ये मटेरियल बचा हुआ है, क्योंकि ये गुजिया वो वाली है जिनको हल्का मीठा खाना है, उनके लिए मैं पहले बना के अलग कर लूँगी। फिर इसमें डालूंगी और चीनी, फिर हमारी गुजिया रेडी हो जाएगी। इसके बाद हम बनाएंगे मटरी। आज खाना नहीं बनेगा पूजा, सच में नहीं खाना बनेगा, मतलब आज तक तुम लेट आई हो ना, सब बन जाएगा गुजिया जी, तब फिर बनेगा खाना, आज तुम यहीं रहोगी। यहाँ पे हमने बहुत सारी गुजिया बना के रेडी कर ली है और इधर रख दिया है कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए। तो चलिए फ्राई करते हैं। तो यहाँ बन रहा है ये खुरमा। तो यहाँ पे हमारे शक्करपारे बन गए हैं और बहुत ही अच्छे शक्करपारे बने हुए हैं। तो हम खोए के गुलाब जामुन बनाएंगे। तो पहले सबसे पहले खोए को हमें स्मूथ कर लेना है। फिर यहाँ पे मैंने लिया है पनीर, इसको भी हाथों से क्रश करके मसल के इनको भी स्मूथ कर लेंगे। तो 200 ग्राम खोए में हमें 50 ग्राम पनीर ऐड करना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। फिर मैदा लेंगे 50 ग्राम और बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डाल के इनको भी मिक्स कर देंगे। तो अच्छी तरीके से तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद एक स्मूथ सा बैटर जैसा डो हम बना लेंगे। डो बना लेना है बेसिकली। फिर इसको हमें बनाना है बॉल्स छोटे छोटे, जिस साइज़ के आपको गुलाब जामुन बनाने हैं। थोड़े से क्रश ड्राई फ्रूट्स बीच में डाल के स्टफ़ करके हमें इस तरीके से बॉल्स बना लेने हैं। और सारे बॉल्स रेडी करके हमें इन्हें फ्राई करना है। बॉल्स सारे रेडी हो गए हैं, अब चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ एक तार की चाशनी बनानी है, इलायची डाल के मैंने चाशनी बना ली है। और देसी घी में हम इन गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। घी गर्म हो गया है, इनको अच्छी तरीके से मीडियम हीट पर हमें डीप फ्राई कर लेना है। और नीचे से हल्का हल्का
हिलाते हुए जिससे तले में जले ना। और ये गुलाब जामुन भी हमारे रेडी हो गए हैं। अब बनाएंगे हम नमकीन, बनाएंगे बेसन की सेव। तो इसके लिए बेसन में हमने डाल दिया नमक, सोडा, लाल मिर्ची, थोड़ी सी काली मिर्च, अजवाइन डाल देंगे। अच्छी तरीके से इन सबको मिक्स कर लेंगे और पानी की हेल्प से इसका एक डो बना लेंगे। थोड़ा टाइट डो ही बनाएंगे और इसके बाद आप हाथ वाली मशीन से, झन्ने से, जिस चीज़ से भी बनाना चाहें से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डो रेडी हो गया है। तो चलिए फटाफट, ये मोटी वाली जाली ली है मैंने क्योंकि हम सेव बनाएंगे, तो इसको अच्छी तरीके से स्मूथ करके हम इसको भर देंगे मशीन में। हमारे सेव बन के रेडी हो गए हैं। अब चलिए बनाते हैं आलू भुजिया। तो आलू में डाल दिया है नमक, लाल मिर्ची। आलू को मैंने बॉईल करके अच्छी तरीके से ग्रेटर से ग्रेट कर दिया था। इसमें हल्दी, काली मिर्च डालेंगे और 3 से 4 चम्मच बेसन डाल के हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। आलू ठंडा लेना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बेसन लगेगा और अच्छे हमारे आलू भुजिया नहीं बनेंगे। तो थोड़ा मुझे बेसन और चाहिए था, लग रहा था थोड़ा कम, तो वो डाला है। और 2 चम्मच ऑयल डाल के इसको अच्छी तरीके से नीट कर लेंगे। और तो टेढ़ी कढ़ाई में गरम तेल में हम जिस तरीके से सेव हमने फ्राई किया उसी तरीके से आलू भुजिया को भी फ्राई कर लेंगे और हमारी आलू भुजिया भी एकदम झटपट बनकर रेडी हो जाएगी। कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।